नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व जिला अध्यक्ष ने पदभार किया ग्रहण। जी हां, कांग्रेस कमेटी सभा गंगापार के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष रामकिशन पटेल जी ने जिला कांग्रेस कार्यालय जीरो रोड पर पहुंचकर पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल द्विवेदी से पदभार ग्रहण किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए रामकिशन पटेल ने कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू के प्रति प्रकट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन साथियों यह तभी संभव है जब आप सब का साथ हमें मिलेगा। पद ग्रहण समारोह के बाद जिला कांग्रेस कार्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुप्रिया नेताराम थी, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नागरिक संशोधन बिल को देश के संविधान के विरुद्ध और देश के लिए विभाजनकारी बताया। पद ग्रहण समारोह में मुख्य रूप से पीसीसी सदस्य महादेव सिंह सहर, अध्यक्ष नसीबन मनु, अंशुमान पटेल, कंधे पर नारायण मिश्रा, बाबूलाल सरोज आदि रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता कुमारी मनोज सिंह से बात करते हैं। सुप्रिया सिंधे, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय कांग्रेस। सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि आपके माध्यम से लोगों को हम बताएं कि ये CAA हो या NRC हो या NPR हो, इसका असली उद्देश्य क्या है, इसका असली मकसद क्या है। इस सरकार का पर्दाफाश करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे कानून जो लाने का प्रयास किया गया है वो दो कारणों से किया गया है। पहला कारण है विभाजन करके रूल करना, गवर्न करना, और दूसरा और प्रमुख कारण है अपनी सब विफलताओं पर, अपनी नाकामियों पर लोगों से ध्यान हटाना, ध्यान बांटना, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो ग्रोथ रेट हो, चाहे वो उपभोग हो, चाहे वो निवेश हो। जिस तरह से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है और हाहाकार मचा हुआ है, उसको छुपाने का ये काम कर रही हैं ये जो सारी बातें, और कहीं ना कहीं इसमें विभाजन किया जा रहा है, संविधान की खलियाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो आक्रोश है संविधान के साथ गलत होते हुए देखकर, उसी को उठाने का प्रयास हम कर रहे हैं। शरणार्थियों को शरण देना अच्छी बात है, लेकिन शरणार्थी तो और भी बहुत सारे देशों में हैं। शरणार्थी श्रीलंका में भी हैं। क्या आप श्रीलंका के हिंदुओं को यहाँ नहीं आने दीजिएगा? भूटान के क्रिश्चियंस को आप नहीं आने दीजिएगा? वो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं। आपने क्यों सिर्फ 6 धर्मों को और सिर्फ 3 ही देशों को इसमें रखा? और दूसरी बात ये भी है, आप उन लोगों को लाके क्या करिएगा? आप उनको नौकरी दीजिएगा, उनको घर दीजिएगा, उनको रहने की जगह दीजिएगा, क्या करिएगा आप? क्योंकि आपके पास तो अपने खुद के बच्चों को ना देने के लिए नौकरी है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं। तो पहले अपनी नाकामियों को यहाँ पे ख़त्म कर दीजिए। और दूसरी बात इसलिए ज़रूरी है और आप पर इसलिए भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने NRC की बात करी और एक नहीं 9-9 बार आपने ये बातें करी हैं। आपने तमामों बार गृहमंत्री ने ये बात करी है, और आप NPR को भी अब NRC से लिंक करने की बात हो रही है। बार बार सरकारी दस्तावेजों तक में, गृह मंत्रालयों के डॉक्यूमेंट्स तक में कहा गया है कि NPR NRC का पहला स्टेप है। बार बार गृह मंत्री ने कहा है कि हम नेशन वाइड NRC करेंगे, तो कैसे विश्वास कर लें? क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री कहते हम ऐसा नहीं कर रहे, उन्होंने तो पहले भी ऐसी बातें बहुत कही हैं। और इस सब में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सफ़र गरीब व्यक्ति कर रहा है, इसलिए हम उसकी आवाज़ बनना चाहते हैं। NPR जो अप्रैल से लागू हो रहा है, उससे पहले कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा और किस तरह लगता है? सबसे पहले तो लोगों को समझाना ज़रूरी है कि ये कितनी गलत चीज़ करी जा रही है। ये इसलिए गलत है क्योंकि दो चीज़ों से कहा जा रहा है। एक तो ये कहा जा रहा है हमें योजनाओं के लिए अच्छा रहता है। अगर वाकई में ये योजनाओं के लिए अच्छा है तो आपने आधार पर लाखों करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए? आपने पहले वो करोड़ों रुपए खर्च किए जो टैक्स आप हमसे लेते हैं, आपसे लेते हैं, आपने आधार बनाया, अब आधार को आपने ठंडे बस्ते में ला दिया, अब आप NPR ले आए। NPR को आप NRC से लिंक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बार बार कहीं ना कहीं ये पूछ रहे हैं कि आपके माँ बाप का जन्म कहाँ हुआ था, उनके जन्म की तिथि क्या, उनके जन्म का स्थान क्या है। आप बार बार ये कहते हैं कि आप तभी भारतीय होंगे जब आपका एक अभिभावक, चाहे माँ चाहे बाप, भारतीय रहे हो। RTE में प्रवेश के लिए 27 जनवरी से आवेदन। जी हाँ, आज SS पब्लिक स्कूल गदरपुर में जिला परियोजना कार्यालय के सर्व शिक्षा अभियान से पहुंचे आलोक मिश्रा, सुभाष मिश्रा, नरेश चंद्र जोशी एवं एड्स एक्शन के हितेश कुकरेजा, उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि शैक्षिक सत्र 2020-2021 से RTE के अंतर्गत ऑनलाइन प्रवेश के लिए पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया जानकारी देने के लिए 26 दिसंबर 2019 को विकासखंड रुद्रपुर सीतारगंज
खटीमा तथा 27 दिसंबर 2019 को विकास खंड जसपुर, काशीपुर, गदरपुर एवं बाजपुर के निजी विद्यालयों की कार्यशाला आयोजित की गई। आपको बताते चले कि निजी स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर तबके बच्चों को आरक्षित करीब 4000 सीटों पर दाखिले मिलेंगे। इसकी प्रक्रिया 21 दिसंबर से शुरू हो रही है। पहले चरण में निजी स्कूल को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद 27 जनवरी से छात्रों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होंगे। परियोजना अधिकारी आलोक मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि ऑनलाइन स्कूल रजिस्ट्रेशन 21 दिसंबर से 25 जनवरी तक, छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी से 25 जनवरी तक, छात्राओं को पत्रों की जांच 20 फरवरी से 15 मार्च तक, विद्यालयों में प्रवेश की लॉटरी प्रक्रिया 20 मार्च से विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया और 22 मार्च से 15 अप्रैल तक रखी गई। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता सहनवली से बात करते आलोक मिश्रा। मैं आलोक मिश्रा जिला परियोजना कार्यालय से सतुष्टा जैन जिला समन्वयक के पद पर और आप सब लोग हमारे सहयोगी हैं। आज जो यहां पर इस कार्यशाला आयोजित की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वर्ष 2020-21 से आरटी की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो ऑनलाइन कर दी गई है। अभी तक प्रदेश के केवल 3 जिलों में होती थी, देहरादून, हरिद्वार और चमोली। अगले वर्ष से यानी 2020-21 से ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा के जो भी आरटी एडमिशन होंगे वो ऑनलाइन होंगे। तो सबसे पहले इसमें स्कूलों को अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जानकारी के लिए ही कल से ही ये कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। आप हमारे सहयोगी इंटर सेक्शन देहरादून से हितेश जी हैं, आपकी पूरी जानकारी देते हैं। तो कल हमने वर्कशॉप आयोजित की थी रुद्रपुर और सितारगंज में, जिसमें हमने 3 विकासखंड कवर किए थे। आज सुबह भी एक वर्कशॉप थी काशीपुर विकासखंड में, जिसमें जसपुर और काशीपुर विकासखंड के थे। और आज गदरपुर में हमने विद्यालयों की सुविधा के दृष्टिकोण से बाजपुर और गदरपुर के विद्यालयों को यहाँ पर आमंत्रित किया था, तो काफ़ी अच्छी उपस्थिति रही थी। और उनको वेबसाइट का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करके और प्लस PPT के माध्यम से ये बताया गया कि आप कैसे उस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और उनको भी बता दिया गया है कि स्कूलों के रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 25 जनवरी 2020 है, तो उससे पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करो। हाँ, एक तो हमने अभी 20 दिसंबर को विज्ञप्ति निकलवाई थी, उसमें पूरा डिटेल दिया गया था कि बच्चा किस कैटेगरी के अंतर्गत पात्र हो सकता है। उसके अलावा अभी आने वाले जनवरी माह में जब बच्चों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा 27 जनवरी से, तो उसके बाद हमारी जो सहयोगी संस्था इंडिया सेक्शन है वो विभिन्न विकास खंडों में कैंप भी लगाएंगे। उसके अलावा हम लोग कुछ पैम्फलेट ब्रोशर वगैरह भी उनका वितरित कराएंगे। उसके अलावा समाचार पत्रों में भी पूरा एक जागरूकता अभियान की तरह एक प्रकाशित करेंगे, क्योंकि ये पहली बार ऑनलाइन हो रहा है। तो स्कूल वही पूछ रहे थे कि ये जैसे हमारे फीस स्ट्रक्चर है या बच्चों की जो स्ट्रेंथ है क्लास वन की वो कब की भरी जानी है, या कुछ सवाल बच्चों के संबंधी भी थे, तो लगभग उनके सारे सवालों को जवाब दिया गया। हमारे सहयोगी थे, सभी लोगों ने उनको संतुष्ट किया। तो उसके बाद ये भी बता दिया गया कि आप फिर भी नहीं संतुष्ट हैं तो उसी वेबसाइट पर ही ट्यूटोरियल, वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं कि आप सारे सवालों का जवाब वहाँ से भी दे सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी हैं वहाँ से भी देख सकते हैं। विद्यालयों के लिए निर्देश है वहाँ से भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर्स सारे अपलोड किए हुए हैं वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा सबके फ़ोन नंबर्स भी उनके पास अवेलेबल हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी तरह से कहीं पर कोई कठिनाई होने वाली है। टोंस नदी के पुल में लगे लोहे के गाटर को तोड़ा गया। जी हां, प्रयागराज जिला के शंकरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत मवैया मोड़ के समीप टोंस नदी का पुल है। पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण सिंचाई विभाग ने भारी वाहनों को आने जाने के लिए लोहे के मोटे गाटर लगाकर बंद कर दिया था, किंतु कुछ अराजक तत्व ने लोहे के गाटर को तोड़ दिया। यदि उससे बड़े वाहन गुजरते हैं तो कोई भी बड़ी घटना, दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल को बाधित हो जाने से आवागमन काफी प्रभावित हो गया है। इस संबंध में प्रशासन को कई बार जानकारी दी गई है, किंतु प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता गिरिजा शंकर सिंह की रिपोर्ट। मैं इस समय प्रयागराज जिला के शंकर ब्लॉक के अंतर्गत टोंस नदी के समीप पहुंचा हूं। यहां टोंस नदी का जो पुल बना था उसको लोहे के गाटर से प्रतिबंधित कर दिया गया था, किंतु कुछ अराजक तत्वों ने इसको तोड़ दिया है। मैं यहां के स्थानीय निवासी से रूबरू करवाना चाहता हूं। आप बताएं कि इस ये जो पुल में जो गाटर लगा था
और इसको कब तोड़ दिया गया है? रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने ठक्कर मार दिया है जी और टूट गया है जी। इसमें टूट जाने का खतरा ही हो सकता है, कभी प्रवेश गाड़ियां कर सकती हैं वो लोड वाली जी, तो कभी भी पुल टूट सकता है जी जी। बड़ा हादसा हो सकता है जी। तो रात में तोड़ा गया है? आज रात में तोड़ दिया गया है। तो बड़ी गाड़ियां इससे जैसे गुजर रही हैं कि नहीं? नहीं नहीं जाती हैं गाड़ियां, लेकिन आधे पुल से फिर बैक हो जाए, एक तरफ लगा हुआ है एक तरफ टूट गया है जी, तो गाड़ियां जाके फिर बैक होना पड़ता है उनको। इससे पुल को खतरा होने संभावना है और बड़ा हादसा हो सकता है जी। आपका परिचय? मोहिया कला कृष्णपाल सिंह, फास्ट न्यूज इंडिया से गिर शंकर सिंह रिपोर्ट। नारीबारी में विद्युत कैंप का हुआ आयोजन। जी हाँ, प्रयागराज जिला के शंकरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत गौरा पावर हाउस के उपभोक्ताओं के लिए नारीबारी के विद्युत विभाग द्वारा आसान किस्त योजना के अंतर्गत बकायादारों को संपूर्ण बकाया का ब्याज पूर्ण माफी करते हुए 31 दिसंबर 2019 तक जमा करने की अंतिम तिथि है। इस संदर्भ में गौरा पावर हाउस के जेई प्रदीप मिश्रा फास्ट न्यूज इंडिया की टीम के एक सवाल के जवाब में इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्ण ब्याज माफी के साथ साथ शेष बकाया की धनराशि 12 से 24 आसन किस्तों में बनाकर उपभोक्ताओं को उनकी आर्थिक व्यवस्था के अनुसार इसका सरलीकरण किया जाएगा। दूसरी ओर इस व्यवस्था के बाद भी यदि जन उपभोक्ताओं की बकाया राशि नहीं जमा हो पाएगी, उनके खिलाफ 31 दिसंबर 2019 के बाद कड़ी से कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस कैंप में अजीत कुमार लाइनमैन, हरिओम वर्मा लाइनमैन, धनु धर्ण द्विवेदी मीटर रीडर, बाबा यादव ऑपरेटर, विजय बहादुर टेक्नीशियन आदि उपस्थित रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता जयशंकर सिंह की रिपोर्ट। मैं इस समय जिला प्रयागराज के नारीबारी में पहुंचा हूं। यहां पर विद्युत विभाग का एक कैंप लगा हुआ है, इसमें सरकार द्वारा आसान किस्त योजना जो योजना चली है इस संदर्भ में एक कैंप का आयोजन किया गया है। यहां पर विद्युत विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं उनसे इस संदर्भ में कुछ जानकारी चाहता हूं। सर बताएं कि ये जो कैंप लगा हुआ है इस कैंप का उद्देश्य क्या है? सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी योजना आई है आसान किस्त योजना जी। इस आसान किस्त योजना के तहत सभी जो विद्युत के बड़े बकायेदार हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर आया हुआ है जी। 100% ब्याज की छूट दी जा रही है जी। इसके बाद जो मूलधन बच रहा है, मूलधन में एक किस्त से लेकर 24 किस्त तक ऑफर है जी। उनको जितना सुटेबल समझ में आए उतना किस्त बनवा करके आसान किस्तों में अपना पैसा जमा कर सकते हैं जी। यह योजना 11 नवंबर से ही चल रही है और अब 31 दिसंबर अंतिम दिन है इसका जी जी। 31 दिसंबर के पहले जिनको यह लाभ लेना है वो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सुनहरा अवसर है जी। अगर 31 दिसंबर के बाद जो बड़े बकायेदार मिलेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जी। 31 दिसंबर के बाद जो नहीं जमा करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई जी जी। तो अच्छा, ये कुल 12 किस्त बनेगी इनसे? 24 किस्त तक ऑफर है, 1 किस्त से 24 किस्त तक आप कुछ भी बनवा करके जी, जितना आपको सही समझ में आए जितने में हम आराम से जमा कर सके बनवा सकते हैं जी। जो हमारे द्वारा किस्त बनाई जा रही है जी, और सीएससी पर भी बन जाएगी किस्त जी, बनवा के आप जमा करवा सकते हैं। तो ये बिल यहीं पर जमा होगी या अन्य कोई स्थान और कोई इसके अलावा? बिल सीएससी पर भी जमा हो जाएगी, राशन की दुकान पर भी हो जाएगी, हमारे यहाँ भी हो जाएगी जी, हमारे विभाग के सभी कैश काउंटर पर कहीं भी जमा कर सकते हैं जी जी। आपका परिचय? प्रदीप कुमार वर्मा और अभियंता गौरा क्षेत्र जी। धन्यवाद। प्रयागराज से गिरशंकर सिंह रिपोर्ट। ये था अभी कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ बने रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।